top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting-edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. गाया है और विजय वर्मा दोस्त जैसे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कंपोज किया इस गाने को और उनके साथ और भी मेरी अच्छे तालुकात हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ इसके म्यूजिक के लिए. अच्छी फिल्म हो, समझदार फिल्म हो और उसमें अगर हम लोग प्रमोशन में उसको साथ दे सके तो बहुत अच्छा रहता है. और आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि आप लोगों को अपनी हाजिरी और एक अच्छी फिल्म को प्रमोट करने में अपना सहयोग. सुनो, अक्सर पाकिस्तान हिंदुस्तान मसले में फिल्में बनती आई हैं, ऐसा क्या इस फिल्म में खास है कि दर्शक इसको देखने? अच्छा, मैंने फिल्म देखी नहीं है, मुझे सिर्फ फिल्म का एक रूपरेखा पता है, तो मैं भी आपकी तरह अनिभिज्ञ हूँ इस बारे में. मैं चाहूँगा कि मैं खुद इस फिल्म को देखूँ. जो टीम जुड़ी हुई है वो समझदार टीम जुड़ी हुई, जो लोग जुड़े हुए हैं अच्छे जेन्युइन लोग जुड़े हुए हैं, तो एक अच्छी फिल्म की आप उम्मीद कर सकते हैं. ज़्यादातर सिंगर्स वैसे गाने से ही जुड़े होते हैं, लेकिन जो फिल्में बनती है इस तरह की किसी रीजन से रिलेटेड होती है, जैसे नानक शाह को बना दिया, तो एक कॉन्ट्रोवर्सी भी कहीं ना कहीं से खड़ी हो जाती है, तो उस बारे में क्या कहना है? इंडिया एक बड़ा ही रंग बिरंग देश है, तरह तरह के व्यूज हैं, तरह तरह के ओपिनियंस हैं, सभी को हक है अपनी बातें कहने का और सभी को हक है कभी कभी धरना देने का, डिसाइड करने का. तो होता है इंडिया में ऐसे कुछ ना कुछ, बट मेरे ख्याल में जैसे मैं एक गायक होने के अलावा मैं एक दर्शक भी हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं नाना शब्बीर भी देखूँ, इश्क परिंदे भी देखूँ, हर फिल्म को देखूँ, समझूँ, जानूँ और उस फिल्म के बारे में. तो सबको आज़ादी होनी चाहिए अपनी बात कहने की. वेरी हम्बली आई एम सेइंग दिस. तो आपने अभी भी बोला क्या मैं सिर्फ इसको ये कहूँगा, हालांकि इसका इस फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर भी कहूँगा क्या बोलते हैं, यथा राजा तथा प्रजा. समझ वाले समझ लीजिए. हाँ जी, यहाँ पे आता हूँ तो मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, यहाँ के लोग को, यहाँ की भाषा को, यहाँ के खाने को, यहाँ की सर्दी को, यहाँ की लू को, यहाँ की स्कूल के डेज को और भी याद करता हूँ. और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे परिवार, जो मेरे रिश्तेदार हैं, उनसे जरूर मिलता हूँ, अपने कजन से मिलता हूँ, अपने दोस्तों से मिलता हूँ. दिल्ली के लिए दिल्ली एक खास जगह है और दिल्ली का आशीर्वाद मुझे लगा है, इसीलिए मुझे